तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है जो है बोरूटो के जो है चैप्टर 80 के लीक्स के बारे में या फिर कह लो उसके स्पॉयलर्स के बारे में। तो बहुत दिन हो गए थे, टाइम चल रहा है और मौसम काफी ज्यादा बुरा चल रहा है, तो रोजा रह के बनाना वीडियो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए 3-4 दिन काफी ज्यादा गैप हो। वैसे एक दिन और थोड़ा बीच में गैप हो जाएंगे, इंशाल्लाह ईद के बाद लगातार वीडियोज आने स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत से इस पे काम भी करने हैं। तो इस वीडियो पे बात करते हैं और इस चैप्टर पे बात करते हैं जो है इस चैप्टर का जो स्पॉयलर्स आ गया है। इससे स्पॉयलर्स जानने से पहले हम इसके पिछले जो चैप्टर है उस पे बात करते हैं, कुछ उसके जो है रीकैप कर लेते हैं जो मेन हाइलाइटेड चीजें थी। तो पिछले चैप्टर में हुआ ये था कि जब कावाकी जो है परेशान होके एडा के पास जाता है और कहता है कि ये सब कुछ बोरूटे के पास ही क्यों है, वो एडा उस कावाकी के पास इतनी बेहतरीन आइटम है, एडा उसके पीछे जो पागल हुई पड़ी है वो दूसरे के लिए जल रहा है, पागल हो गया है क्या? वो जो उसके पीछे इतनी पागल है वो उसको कहती है तू क्यों परेशान हो रहा है, वो अपना वो सब कुछ बिना मांगे ही दे देती है, मगर एडा से जब वो कहता है तो एडा उसके लिए कर इतना सब कुछ कर देती है। और आप लोग एक सब्सक्राइब कर नहीं कर सकते मेरे चैनल, सब्सक्राइब कर रहा हूँ, किडनी थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे यार। तो वो ओतोत्सुकी वाली पावर जो शिनजोत्सु यूज करके पूरे दुनिया का ही जो है चेंज कर देती है, कावाकी को बनाती है कावाकी उज़ुमाकी, बोरूटो को बना देती है बोरूटो कोनोहा का विलेन जो लॉर्ड सेवेंथ के और उसकी माँ उज़ुमाकी उसकी माँ हिनाटा के मार चुका है। वो इतना उसके ऊपर वो सारा चेंज हो गया है। वहां से एक जो लास्ट पैनल था जो पैनल में दिखाया गया था कि एक तरफ पूरा कोनोहा विलेज और दूसरी तरफ बोरूटो बेचारा अकेला बेचारा वो देख रहा है, उसमें हाइलाइटेड दो चीजें थी, पहला आमाडो दूसरा सास्के। आमाडो जो है सास्के को इस तरह से देख रहा था, ऐसा लगता है कि आमाडो बहुत कुछ जानता था, उस चीज से थ्योरीज बनना स्टार्ट हो गई थी। पहला थ्योरी ये था कि आमाडो पे वो जो एडा का पावर इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि आमाडो ने ही उसको क्रिएट किया है। आमाडो इतना सुट्टेबाज आदमी, इतना हरामी वो आदमी है कि वो अपने ऊपर वो उसका पावर एक्टिवेट करने नहीं दे सकता था, और इससे सेंस भी बनता है कि वो नहीं चाहेगा कि वो मेरी ही मार के चली जाए। दूसरा जो है सास्के पे भी ये असर नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले एक पैनल में जो है सारडा के ऊपर जो एडा के चार्म का पावर वो इफेक्ट नहीं कर रहा था, शायद से उचिहा ब्लड में कुछ होगा या फिर शारिंगन या फिर उसकी वजह से कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो जैसे सारडा पे भी इफेक्ट नहीं किया था, वैसे ही सास्के पे भी नहीं किया होगा, या फिर उसके रिनेगान या फिर उसके शारिंगन की वजह से एबिलिटीज की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट नहीं किया। तो ये स्पॉयलर्स, ये तो पिछले की जो थ्योरीज जो थ्योरीज थी ये है, और पिछले कुछ है रीकैप थी। अब जो बात करते हैं हमारे जो है नेक्स्ट स्पॉयलर जो है आया है लीक्स के बारे में। इस लीक्स में कहा ये जा रहा है कि इस वीडियो में फिर हम बात करते हैं, तो लीक्स में ये है कि जब मित्सुकी जाता है अपना स्टेज मोड में बोरूटो पे अटैक करने, बीच में सास्के आ जाता है और उसको रोक के कहता है कि तुम जाओ लॉर्ड सेवेंथ को सर्च करो, मैं तुम्हें ढूंढो। सारडा के कान में कुछ वो कहता है और सारडा को भी भेज देता है। उसके बाद बोरूटो से वो कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से कुछ दिनों के लिए और मैं यहाँ पे विलेज की देखभाल कर रहा हूँ, जब तक तुम यहाँ पे मत आना जब तक यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ से टाइम स्किप जो है वो स्टार्ट होगा जब बोरूटो यहाँ से विलेज छोड़ के जाएगा, और जब वो आएगा तो उसका टाइम स्किप जो है वो स्टार्ट होगा, वो टाइम स्किप गैप करके आएगा। तो जब वो टाइम स्किप वो बोरूटो कहता है तो वो कहाँ भेजता है, ओरोचिमारू के पास। ओरोचिमारू पे भी ये इफेक्ट क्या होगा कि नहीं क्या होगा वो मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, और उसको अगर इफेक्ट किया भी होगा तो उस घंटा ना उस साले को फर्क है कि वो लॉर्ड सेवेंथ को मार के आ रहा है या किसको मार के आ रहा है। जब सास्के उसको कह दिया है कि तुम जाओ उसके पास और उसके पास जाना है तुम्हें, और जब वो जाएगा वहां पे तो वो सास्के के कहने के सब जाएगा, तो ओरोचिमारू उसको रखेगा जरूर, और ओरोचिमारू घंटा नहीं फर्क पड़ता है नारुतो मर गया कि जिंदा हो, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वहां पे वो चल जाता है। तो इतना ही ज्यादा बस इतनी कुछ थोड़ा सा हमें जो स्पॉयलर्स मिला है। अब इसके बाद इस वीडियो पे स्पॉयलर से बात करते हैं कि क्या ये कितना सच्चाई है और कितना इसमें गलत है,
और मैं इस पे अभी यहाँ से मैं एक वार्निंग देता हूँ कि ये जो है कन्फर्म स्पॉयलर्स नहीं है, इस पे कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं और कुछ नहीं भी या फिर कन्फर्म भी हो सकता है। मगर जब मैं ये पढ़ रहा था तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट थे कि ये फेक है, और कुछ कह भी सकते हो कि ये फेक के हिसाब से लग भी रहा है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि फेक ही है, क्योंकि उस पर कितने अभी बात करूंगा आपको मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं हो सकता है। कुछ लोग क्यों भी कह रहे हैं कि फेक हो सकता है। पहली बात कि जब स्पॉयलर्स लीक्स कब आते हैं, जब चैप्टर आने में एक हफ्ता टाइम हो तो लीक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा पहले आ चुका है। तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये इतना जल्दी आ गया, तो ये लीक्स नहीं है, थ्योरी है किसी का। दूसरा, और ये जो दूसरा भी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो हम लोग थ्योरी बना रहे थे बोरूटो चैप्टर पे, तो वो काफी ज्यादा उससे रिलेटेबल है, क्योंकि ये सीधा थ्योरी के ही हिसाब से ये बना हुआ है। तो इससे भी लगता है कि नहीं, ये किसी का थ्योरी ही इसे कंफर्म करके बताया जा रहा है। तो इससे मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि हाँ शायद ये हो सकता है, बस कुछ कुछ मुझे ये लग रहा है कि सही भी हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, मैं इसे 100% श्योर नहीं हूँ। और इसको जब कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में एक और बात आई थी कि जब कुछ लोग कह रहे थे कि ये इससे ट्रेन करेगा जिराया, ट्रेन करेगा इसको वो अपना चांद वाला चंदा मामा जो है, चंदा मामा लास्ट मूवी, हाँ वो टमारी उसकी जो भी था उसका नाम, वो उसको ट्रेन करेगा। कुछ लोग कह रहे थे कासिम कोजी भी ट्रेन करेगा, क्योंकि वो माउंट बेवकू पर है, वो टोट सेज वाला, वो मिस्टर जिराया बॉय और नारुतो बॉय, वो ट्रेन करेगा वहां पे। तो लोग उसको लग रहा था कि वो ट्रेन करेगा, मगर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था और उसकी मारू ही उसे ट्रेन कर सकता है, क्योंकि बोरूटो को कुछ ना कुछ रेफरेंसेस जो है सास्के से मिल के उसको दिया जा रहा है, उसका बैक स्टोरी जो उसके स्टोरी जो उसके ऊपर रेफरेंसेस उसको दिए जा रहे हैं। तो जैसे ओरोचिमारू ने सास्के को ट्रेन किया, उसी हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि बोरूटो को ओरोचिमारू ही ट्रेन करेगा। इसमें कितना दम होगा कितना दम नहीं है वो तो जब चैप्टर आएगा तब मैं उसको बताऊंगा वीडियो बना के आपको। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो इस हिसाब से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये वीडियो आपको पसंद आया नहीं पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपका इस वीडियो पे क्या राय है और थ्योरी ये करेक्ट है या स्पॉइलर करेक्ट नहीं है वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों रमज़ान का टाइम चल रहा है, मैं खुद रोज़ा रह रहा हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है इधर। अभी मैं एक वीडियो बनाने में मेरा पूरा जो है गला सूख गया है इतना बोलने में कि हालत ख़राब हो जा रहा है, इस वजह से थोड़ा वीडियो नहीं आ पा रहा है। इंशाल्लाह रोज़ा के बाद जो है ईद के बाद वीडियो लगातार आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेहनत इतना करना पड़ रहा है यार, क्या करें, आपके सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब कर दो।